तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इनइक्वालिटी। बहुत बेसिक चैप्टर है, अलजेब्रा का बेसिक चैप्टर में से एक है। ठीक, बेसिक इनइक्वालिटीज जो होती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये चार चीजें हैं जिन चीजों को हम यहाँ पे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, तो ये चार इनइक्वालिटीज हैं बेसिक। इन चार बेसिक इनइक्वालिटीज को कैसे हैंडल करना है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें आ गई, राइट, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसी चीज को हमें बेसिकली समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले तो इसका मतलब समझो, अगर किसी ने बोल दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकली इसकी जो भी वैल्यू आएगी, राइट, वो बी की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा हो। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात चलेगी, ए की जो भी वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू से ज्यादा हो, दैट्स इट, इसका सिर्फ यही मतलब जाता है। और अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो भी वैल्यू होगी वो बी के बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है। ठीक, ऐसे ही लेस देन में, ए लेस देन बी का मतलब क्या है, ए की जो भी वैल्यू आएगी वो बी से वैल्यू छोटी होगी। ठीक, एंड ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब है कि ए की वैल्यू या तो बी से छोटी होगी या तो बी के बराबर होगी। ठीक है, मीनिंग बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि कुछ रूल्स समझने की कोशिश करनी है। ठीक, जो हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इंप्लीमेंट वगैरह करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ठीक, जैसे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो हमारा फाइनल आंसर आता है, उस फाइनल आंसर का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, राइट, इस चीज का, सॉल्विंग द इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, राइट, इसके मीनिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अब मान लो जो इक्वालिटी होती है, ठीक, इक्वालिटी का मतलब जैसे एक्स इक्वल टू 3, जो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके बीच में कहीं ना कहीं इक्वल टू आ रहा है, तो उसको बोलते हैं इक्वालिटी। अब इस चीज का मतलब क्या है कि वो एक्स की वैल्यू जो इस पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई करे, तो वो ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू 3 है। लेफ्ट हैंड साइड जब मैं 3 पुट करूंगा तभी जाके 3 इक्वल टू 3 होगा, इसके अलावा ये और किसी भी वैल्यू के लिए बराबर नहीं होगा। ऐसे ही इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करने का या सोल्व करने का मतलब यही चीज है, एक्स की वो सारी की सारी वैल्यूज ढूंढना जो मैं इधर पुट करूंगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। लेकिन इक्वालिटी के केस में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आती है जनरली, एंड इनइक्वालिटी के केस में इनफाइनाइट वैल्यूज आती है। जैसे इस केस का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू या तो 3 के बराबर हो जाए या तो 3 से बड़ी बड़ी कुछ भी हो जाए, तो या तो 3 के बराबर हो जाए या तो 3 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर, ये सारे के सारे जो नंबर हैं 3 के बाद वाले सारे के सारे आंसर आएंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या चला जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 3 टू इनफिनिट। और मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है कि प्लस माइनस इनफिनिटी पे हमेशा हमारी ओपन ब्रैकेट आती है, बाकी दूसरे नंबर्स पे ओपन आएगी या क्लोज आएगी दैट डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ पे इक्वालिटी है या नहीं। ठीक, इस तरीके से, तो सॉल्विंग द इनइक्वालिटी का बेसिकली मतलब यह है, वी हैव टू फाइंड फाइंड ऑल दोज एक्स विच सेटिस्फाइज दी गिवन, विच सेटिस्फाइज दी गिवन इन इक्वालिटी, राइट, वो सारी की सारी एक्स की वैल्यूज जिसके लिए जो गिवन इन इक्वालिटी है वो हमारी ट्रू हो जाती है। तो वो बड़ा सिंपल सा मीनिंग चला गया, जैसे हमारा इक्वालिटी का मीनिंग है एक्स की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये इक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, सेटिस्फाई करेगी, राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या मतलब जाता है कि इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है ग्रेटर देन, तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी होनी चाहिए राइट हैंड साइड, जैसे इस केस। ठीक है, अच्छा अब देखो रूल्स। रूल्स में सबसे पहले रूल हमारा क्या आ रहा है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक, अ नंबर ऑन टू बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाहता है वो, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक, सेम नंबर ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये हम कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। कहने का मतलब ये चीज है,
अगर x प्लस टू इज ग्रेटर देन फोर है, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे दोनों तरफ मैं सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो मैंने दोनों तरफ क्या किया माइनस टू, इससे ये पूरी चीज टू एंड टू कटा, तो इससे आ गया x ग्रेटर देन फोर माइनस टू दैट इज टू। तो बेसिकली जो x प्लस टू ग्रेटर देन फोर था, ये इनइक्वालिटी एंड ये इनइक्वालिटी बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। क्यों? क्योंकि इसी इनइक्वालिटी के अंदर हमने क्या किया कि दोनों साइड हम एक सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, जिससे जो इनइक्वालिटी रहती है वो पहली बात तो चेंज नहीं करती, प्लस इनइक्वालिटी का साइन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करती। ठीक, तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के छोटे छोटे तरीके हैं कि सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है हमारा। सेकेंड रूल इज, इफ एन इनइक्वालिटी is multiplied, divided or cross multiplied with a positive number, then inequality remains same. And if with a negative number, then it inequality reverses, then inequality reverses. ठीक है, inequality अपना sign change कर लेगी। जैसे इसका example देखो, तो मान लो x by 3 is greater than 4, अब मैंने क्या किया, इसको multiply by 3 कर दिया, left hand side and right hand side both. ठीक, तो क्योंकि 3 positive number है, तो inequality का sign जो है वो सेम रहेगा, तो ये greater than रहेगा, इधर 4 into 3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा x by 3 इंटू थ्री, ये थ्री थ्री कटेगा, तो एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 12। तो कहने का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बराबर रहेंगे, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मेरे पास माइनस एक्स बाय टू इज ग्रेटर देन, चलो लेट से माइनस फोर है, ज़ूम करो, चलो फोर ले लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, अब क्योंकि माइनस टू इज नेगेटिव नंबर, तो ये इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन थी ये लेस देन बन जाएगी, फोर इंटू माइनस टू हो जाएगा, और इधर माइनस तो माइनस एक्स बाय टू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे ये चीज हो गई, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये टू टू कट जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस ए। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हमारी बराबर है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस एट से छोटा छोटा इस तरीके से। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस एट, ओपन ओपन, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो पहले दो रूल्स में किसी को कोई भी डाउट प्लीज बताओ, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, किसी को स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको, कंफर्म करो। ये बस लास्ट स्टेप दोबारा बता दो, थोड़ा ना कनेक्शन प्रॉब्लम। लास्ट स्टेप में हमने क्या बोला कि नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह कर रहे हैं, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज कर जाएगा, ये चीज हमने बोली। तो जैसे यहाँ पे माइनस एक्स बाय टू ग्रेटर देन फोर है, तो इसको मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, माइनस एक्स बाय टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और टू टू कट जाएगा, तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में एक्स बचेगा, और जो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, फोर इंटू माइनस टू, तो दैट इज माइनस एट, और जो इनइक्वालिटी थी ग्रेटर देन की वो बन जाएगी लेस देन की, तो हमारा बन जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस एट। और नंबर लाइन पे देखा जाए तो माइनस इनफिनिटी से माइनस एट, इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। निश क्लियर है? यस ठीक है। तो पॉइंट यही था कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी रिमेंस द सेम, एंड अगर हम एक नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस द साइन या चेंजेस इट साइन। ठीक है, ये पॉइंट था। देन हमारा थर्ड पॉइंट था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ठीक, क्या चीज की डू नॉट मल्टीप्लाई divide or cross multiply with the variable को cross multiply divide वगैरह नहीं करना है। ठीक, अब जैसे example 2x x minus 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन टू, अज्यूम करो ये चीज। हाँ जी अनीश,
अच्छा अनिश अभी ध्यान से देखो, x प्लस फाइव जो है इट्स अ वेरिएबल राइट, वेरिएबल जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन x की वैल्यू राइट। x को अगर मैंने इधर 2 पुट किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 प्लस 5 डिनोमिनेटर 7 बन जाएगा, तो दैट इज प्लस 7, तो इट इज पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ जी सर। लेकिन यहीं पे अगर मैंने x की वैल्यू माइनस 100 पुट कर दी तो क्या चली जाएगी? माइनस 95। बिल्कुल, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है, x plus 5 is a variable, so it could be negative or positive depending upon the value of x. I hope ये चीज क्लियर हुई, राइट? यस सर। इसलिए हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक? हम क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई x plus 5 as it is variable and it could be positive or negative, ठीक? So that is why इसका हम cross multiply नहीं कर सकते। I hope ये चीज clear हुई। क्यों? क्योंकि अगर तो ये positive हुआ तो cross multiply करेंगे, sign change नहीं करना चाहिए, और अगर negative हुआ तो cross multiply करेंगे, sign change करना चाहिए। अब अगर variable है तो हमें पता ही नहीं इसका exact sign क्या है, right? कभी ये negative होगा कुछ value इसके लिए, होगा तो sign change करेंगे या नहीं करेंगे, confusion हो जाएगी। इसलिए वो कंफ्यूजन ना हो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हैंडल करने का तरीका क्या है कि 2 को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, क्या बन जाएगा, देखो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक साइड हमेशा हम 0 क्रिएट करके रखेंगे। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब एलसीएम लो, क्या बन गया, x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। याद है वेवी का मेथड क्या करते थे नंबर लाइन पे, याद करो कौन सा मेथड? अरे डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0, रेंज ढूंढने के लिए जो हम करते थे, डोमेन वगैरह ढूंढने के लिए, याद करो सर। एक सेकंड। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो सर अब आज के बाद ये चीज याद रखो, कभी भी ये चीज तुम्हारे आ जाए, लीनियर 1 डिवाइडेड बाय लीनियर 2 ग्रेटर देन 0, लीनियर 1 बाय लीनियर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लीनियर 1 बाय लीनियर 2 लेस देन 0, लीनियर 1 बाय लीनियर 2 लेस देन इक्वल टू 0, आज के बाद ये चीज कभी भी मन से निकल, मतलब ये देखते ही साथ में पता चल जाना चाहिए कि यस इसके अंदर ये वाला मेथड यूज करेंगे, आज के बाद ये गड़बड़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। ओके सर। देखते ये चीज पता चल जानी चाहिए। क्या करोगे जल्दी बोलो। तो सर x इक्वल टू 12 आ जाएगा और -12 आएगा, माइनस 12 आएगा, माइनस 12, ठीक है ठीक है, और x इक्वल टू माइनस 5, माइनस 12 पहले फिर माइनस 5, माइनस 12 और इधर से माइनस 5। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जल्दी साइन ढूंढो। ओके सर। एक सेकंड सर, नेगेटिव पहला माइनस 5 से बड़ा नंबर, तो नेगेटिव यस सर, तो बीच में आ जाएगा एक सर, बीच में भी नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव माइनस 12 से माइनस 5 के बीच में कोई भी नंबर लो, लो जरा माइनस 10 ले लो। यस सर। तो माइनस 10 को पुट कराओ, ऊपर क्या जा रहा है तुम्हारा सर, नेगेटिव माइनस x माइनस 12। हाँ तो x प्लस 5 में सुनो ना, इधर माइनस 10 पुट किया तो माइनस ऑफ माइनस 10 क्या हो जाएगा, प्लस 10। अच्छा, फिर भी माइनस 12। हाँ तो माइनस 2 आ रहा है ना न्यूमरेटर में, नेगेटिव, डिनोमिनेटर में माइनस 10 माइनस प्लस 5, न्यूमरेटर में तो नेगेटिव आ रहा है भाई, डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होगा ओवरऑल, पॉजिटिव, ठीक है, फिर पॉजिटिव आएगा ना इधर, यस सर, ठीक है। अच्छा इधर फिर नेगेटिव आ जाएगा, अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ गया ये। अब इक्वालिटी माइनस 12 टू माइनस 5, बिल्कुल, अब इक्वालिटी नहीं है तो दोनों ओपन आएंगे, तो फाइनल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस 12 टू माइनस 5, ठीक है सर, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो इस वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, ठीक, राइट हैंड साइड वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लाके एलसीएम लेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इनके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब जैसे देखो, ठीक है, प्लीज सारे
मैं इसके कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक, क्या करेंगे इन चारों के चारों मेथड में, ठीक। देखो जरा, जैसे फर्स्ट केस 2x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 > 5, ये एग्जांपल है, ठीक। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए, 5 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, देन विल टेक द एलसीएम, तो ये बन जाएगा 2x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 - 5 > 0, तो 2x + 5 - 5x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 > 0, तो दिस विल बी योर 10 - 3x / x - 1 > 0, तो न्यूमरेटर को जीरो किया तो आ गया 10/3, डिनोमिनेटर को जीरो किया वो आ गया 1। अब इसका साइन, तो 10/3 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो, लेट से 100, ओवरऑल साइन जो है वो आ जाएगा नेगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव एंड इधर आ जाएगा नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 to 10/3। अब जो इस केस में इक्वालिटी के केस में हम न्यूमरेटर को जब जीरो करते हैं वो वाली चीज इंक्लूड करेंगे, और डिनोमिनेटर को जहां पे जीरो हो रहा है वो वाली चीज एक्सक्लूड करेंगे, याद रखना, ठीक। क्या चीज, दोबारा, इन केस ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच न्यूमरेटर बिकम्स जीरो एंड एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। तो डिनोमिनेटर जहां पे जीरो हो रहा है वो हो रहा है 1 यहां पे, तो 1 को एक्सक्लूड करेंगे, और न्यूमरेटर कहां पे जीरो हो रहा है 10/3, तो उसको इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसमें प्लीज किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझा सर? ये जो आपने पूरा शेप किया है कि आप न्यूमरेटर वगैरह को जीरो लिया है, कुछ नहीं समझ आया मेरे को। ये तूने वो वाला मैं अपना देखा हुआ है ना, जब हमने रेंज वगैरह निकाला था, रेंज में इनइक्वालिटी वाला मेथड, शायद नहीं सर। हाँ, तूने वो वाला लेक्चर ही नहीं लगाया हुआ, इसलिए तेरे को ये चीज पता नहीं चल रही, ठीक है। ध्यान से देख क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ ये यहाँ तक क्लियर है, ये वाले मेथड तक, यहाँ इस स्टेप तक, यस सर, ठीक। तो क्या करना, ध्यान से देख दोबारा, 10 - 3x, तूने एक्चुअली में पिछला वाला लेक्चर नहीं लगाया हुआ, ध्यान से देख भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जैसे लीनियर बाय लीनियर आ जाए, लीनियर का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 वाली चीज, ठीक है। अब क्या कर, न्यूमरेटर को पकड़ के जीरो कर, तो 10 - 3x = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10/3, बात समझा? यस सर। फिर डिनोमिनेटर को जीरो किया, तो x - 1 को 0 किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, तो एक वैल्यू 1 आ गई, एक वैल्यू 10/3 आ गई, बात समझा? यस सर। इससे क्या हुआ, टोटल 3 इंटरवल बन गए, एक 10/3 से बड़ा बड़ा, एक 1 से लेके 10/3, एक 1 से छोटा छोटा, क्लियर है? यस। अब क्या करेंगे, इस इंटरवल का कोई भी एक नंबर, 10/3 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर एक पिक कर जल्दी, 10/3 से बड़ा, हाँ कोई भी नंबर, कोई भी, 5 ले ले, 5 को ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, इसमें पुट करा और इसका साइन ऑब्जर्व करके आ रहा है, तो 10 - 3x / x - 1 के अंदर x को 5 पुट करा, तो क्या आ जाएगा, 10 - 5 = 15 डिवाइडेड बाय 5 - 1, तो न्यूमरेटर क्या आ रहा है, हाँ भाई, न्यूमरेटर क्या आ रहा है, -5, तो नेगेटिव, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, मैंने बोला साइन ऑब्जर्व करना, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा दोनों का डिवीजन, नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस पूरे इंटरवल का साइन नेगेटिव आएगा, मतलब इस पूरे इंटरवल 10/3 से कोई भी बड़ा नंबर ले वो जब तू इसके अंदर पुट कराएगा तो हमेशा साइन क्या आएगा तेरा, नेगेटिव, बात समझा कि हमने, हाँ भाई, यस सर, यस सर, ठीक है। फिर 1 से लेके 10/3 के बीच बीच में एक नंबर ले उसको पुट करा, ठीक, तो जैसे 2 लिया हमने, ठीक, 2 को पुट करा के देखा वो क्या आ गया, 10 - 3 * 2 / 2 - 1, तो ये बन जाएगा 10 - 6 / 2 - 1, तो दैट इज पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा तेरा, पॉजिटिव, तो बीच में पॉजिटिव। और ऐसे 1 से छोटा छोटा नंबर लिया, तो 1 से छोटा 0 ले ले, तो 0 को पुट करा के देखा वो आ गया 10 - 3 * 0 / 0 - 1,
तो ये बन जाएगा 10 बाय माइनस 1 दैट इज नेगेटिव, बात समझा? यस सर। ठीक, तो वो नेगेटिव आ गया, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब ध्यान से देख, हमें क्या चाहिए, ये चीज क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हमारा ये वाला इंटरवल आंसर आया, बात समझा? तो क्या आंसर आया, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 10 बाय 3, ये बन गया अभी तक, बात समझा? यस सर। लेकिन अब क्या होता है कि ये वाली जो ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इंक्लूडेड। ठीक, और ये जो ओपन ब्रैकेट होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सक्लूडेड। मतलब अगर मैंने 1 से 2 बोला ये चीज, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि 1 इज एक्सक्लूडेड एंड 2 इज इंक्लूडेड। ठीक, अब इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 से लेके 2 के बीच के पहली बार तो सारे के सारे नंबर आएंगे, लेकिन 1 एक्सक्लूडेड है तो 1 पे ओपन सर्कल आ जाएगा, और 2 इंक्लूडेड है तो 2 पे क्लोज सर्कल आ जाएगा। तो यानी कि 1 से लेके 2 के बीच में सारे नंबर प्लस 2, इस चीज का मतलब ये है, बात समझा? यस सर। अब ध्यान से देख, इसके हमारा फाइनल आंसर क्या है, 1 से लेके 10 बाय 3 के बीच में सारे नंबर, तो हमने इंटरवल बना लिया। अब ध्यान से देख, अब मैंने ऊपर क्या बोला, ये चीज कि अगर इक्वालिटी है यहाँ पे, तो जहां पे न्यूमरेटर जीरो जा रहा है वो वाले नंबर को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन जहां पे डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है वहां पे उस वाले नंबर को एक्सक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बात समझा? आयुष सर दोबारा बताना एक बार। देख देख देख, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इक्वालिटी है। यस सर। तो अगर इक्वालिटी है तो न्यूमरेटर जहां पे जीरो जा रहा है वो कौन सा एक्स है जहां पे न्यूमरेटर जीरो जा रहा है, 10/3। तो 10/3 को इंक्लूड करेंगे फाइनल आंसर में, तो ये आ जाएगा, इंक्लूड करने का मतलब क्लोज ब्रैकेट, बात समझा, स्क्वायर ब्रैकेट। यस सर। ठीक, और जहां पे डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है वो वाले एक्स को एक्सक्लूड करेंगे, तो डिनोमिनेटर कहां पे जीरो जा रहा है, एक्स माइनस वन वाले वन पे, तो वन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो नहीं इंक्लूड करने का, एक्सक्लूड करने का मतलब ओपन ब्रैकेट वाली आएगी ये वाली, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। Yes, यानी कि इस एक्स को बिलोंग करने वाला कोई भी वैल्यू जब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट करूंगा इसमें, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो भी आएगा वो राइट हैंड साइड 5 से बड़ा बड़ा होगा, इसके अलावा और कभी भी नहीं आएगा, बात समझा? यस सर। अब कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी प्लीज, किसी और को कोई डाउट प्लीज कंफर्म करो। अर्पित, अर्शिया, अनिश, कृष, लवण्या, नमन, कोई डाउट? नो सर। प्रणव, प्रिंस, राजवीर, सारिशा, साहेब, सौरे, सुभी, सूर्यांश, नो सर, क्लियर है सब कुछ? ठीक है, ये हमने जो ऑलरेडी किए हुए हैं पॉइंट्स, वही सारे के सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज बताना, ठीक है? ओके, आई विल डू वन मोर क्वेश्चन, देन वी विल क्लोज द टुडेज टॉपिक, ठीक है? तो अब जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक्स प्लस थ्री, आयुष माइक ऑन कर, आयुष। यस सर। हाँ आयुष भाई, क्या करेगा जल्दी बोल। हेलो। यस सर। हाँ भाई क्या करेगा, न्यूमरेटर टू पुट करेंगे। क्या क्या? न्यूमरेटर टू पुट करेंगे। न्यूमरेटर टू पुट करेंगे मतलब? टू को पहले लेफ्ट साइड करेंगे। बिल्कुल सही, टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, टू को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय x माइनस टू, माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा x प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय x माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक, ये बन जाएगा तुम्हारा 7 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जल्दी बोल भाई। न्यूमरेटर जीरो पुट करेंगे पहले। हाँ तो क्या आएगा x की वैल्यू? 7। परफेक्ट, डिनोमिनेटर को कर जल्दी। माइनस टू। अबे टू। ओ सर हाँ टू टू सॉरी टू। अब साइन ढूंढने जल्दी, 7 से बड़ा नंबर ले, पुट करा और साइन बता जल्दी। नेगेटिव। नेगेटिव, बढ़िया, 2 से 7 के बीच में। पॉजिटिव। पॉजिटिव, 2 से छोटा छोटा। नेगेटिव। नेगेटिव, अब हमें क्या चाहिए,
मैं नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये वाला पार्ट और 7 के राइट वाला, बिल्कुल, तो दोनों का यूनियन के थ्रू लिखेंगे, समझा सेट थ्योरी में जो यूनियन था, यस सर, प्लस टू के आ जाएगा माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी से लेकर सेवन से इनफिनिटी, इनफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी, याद रखना, यस सर, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये चीज बता, 2 and 7 में से देख इक्वालिटी है तो किसको इंक्लूड करेंगे किसको नहीं करेंगे, जल्दी बोल, सेवन को इंक्लूड करेंगे, ठीक, तो 7 पे क्लोज ब्रैकेट आ गई, फिर एक्स को भी इंक्लूड कर, मतलब 2 का भी इंक्लूड करेंगे, 2 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इंक्लूड करते हैं, ठीक, यस सर, तो 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगी, सो ये फाइनल आंसर है, बात समझा, यस सर, क्लियर हो रहा है, यस सर, अब हो गया, कोई डाउट इसमें, हाँ जी प्लीज, बाकियों को किसी को कोई डाउट इसमें, प्लीज कंफर्म करो, नो सर, चलो ठीक ठीक ठीक, वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू, थैंक यू, इसी के रिलेटेड आपको होमवर्क मिलेगा आज, डन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम, थैंक यू सर, वेलकम जी।